भागलपुर की नवगछिया पुलिस ने तेतरी गांव स्थित विक्रमशिला सेतु पहुंच पर एक मोटरसाइकिल पर सवार कोढ़ा गैंग के दो सदस्यों को आपत्तिजनक सामग्रियों के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में कटिहार जिले के कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुराबगंज निवासी सुदामा उर्फ संतोष यादव उर्फ विशाल यादव और नंद किशोर कुमार उर्फ नटराज शामिल हैं। पुलिस ने दोनों के पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा, चरस की 15 पुड़िया, खुजली वाले पाउडर की 13 पुड़िया, 32,500 रुपये की नकदी, 4 मोबाइल, डिक्की तोड़ने वाली एक चाबी और किसी भी हीरो होंडा मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने वाली एक स्टार्टअप चाबी बरामद किया है। नवगछिया में देर शाम एक प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि भागलपुर पुलिस द्वारा नवगछिया SP को नवगछिया इलाके में आपत्तिजनक सामग्रियों की खरीद फरोख्त किए जाने की सूचना मिली थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत SDPO नवगछिया दिलीप कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया, जिसमें भागलपुर के भी पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। तेतरी गांव के पास विक्रमशिला सेतु पर वाहन चेकिंग शुरू किया गया। SDPO ने कहा कि वाहन चेकिंग के दौरान एक काले रंग की अपाची मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्यक्तियों की जब तलाशी ली गई तो दोनों के पास से आपत्तिजनक सामग्रियों को बरामद किया गया। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान इस गिरोह के अन्य अपराधी बच निकले हैं, जिसके लिए छापेमारी की जा रही है। पूछताछ के क्रम में दोनों ने बताया कि वे लोग सभी आपत्तिजनक सामग्रियों की खरीदारी कर ले जा रहे थे। भागलपुर और नवगछिया में इस गिरोह के सदस्यों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। SDPO ने कहा कि इनके पकड़े जाने से नवगछिया के कई वारदातों का उद्भेदन हो गया है। जानकारी मिली है कि कोढ़ा गैंग में करीब 50 सदस्य हैं, जिनका मुख्य काम बैंक से रकम निकासी करने वाले लोगों का पीछा कर मौके देखकर छिनतई करना है। कभी कभी देखा गया है कि यह अपने शिकार पर खुजली वाला पाउडर डाल देते हैं, जिससे वह खुजली करने में लग जाते हैं और ये लोग सामानों या रकम की छिनतई कर लेते हैं। पैसे के लिए ये कुछ भी करते हैं। ऐसे में ये लोग मादक पदार्थों की खरीद बिक्री भी करते हैं। SDPO ने कहा कि कटिहार कोढ़ा के जुराबगंज के कई अपराधी इस तरह के काम में हैं। पूछताछ में दोनों ने बताया है कि आपत्तिजनक सामग्रियों की खरीदारी उन लोगों ने नवगछिया के ही किसी व्यक्ति से किया था और भागलपुर की ओर जा रहे थे। SDPO ने कहा कि मामले में मुख्य तस्करों का भी पता लगाया जा रहा है, जिसके लिए दोनों से पूछताछ भी की जा रही है। नवगछिया पुलिस जिले के खरीक भवानीपुर OP गोपालपुर और नवगछिया थानों में गिरफ्तार दोनों व्यक्तियों के आपराधिक इतिहास मिले हैं। जानकारी मिली है कि भागलपुर पुलिस की DIU टीम कोढ़ा गैंग पर लंबे समय से नजर रख रही थी। छापेमारी दल में भागलपुर के सहायक पुलिस अधीक्षक पूरन झा, नवगछिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार, वसंती टुडू, नवगछिया थानाध्यक्ष भारत भूषण, गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, बराड़ी थानाध्यक्ष नवनीश कुमार, अजीत कुमार, प्रभात कुमार, चंदन दुबे, सिपाही राकेश कुमार, बच्चन कुमार राम समेत चीता दल DIU टीम भी शामिल थे। भागलपुर के द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया था कि कुछ अपराधकर्मी मादक द्रव्य के खरीद बिक्री के लिए नवगछिया में जुटे हुए हैं। इसकी सूचना SP साहब को दी गई। SP साहब के द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नवगछिया के बहुत सारे पदाधिकारी, जिसमें नाम इसमें लिखा हुआ है, और भागलपुर की टीम, दोनों मिलकर के हम लोग वाहन चेकिंग स्टार्ट किए। वाहन चेकिंग के क्रम में विक्रमशिला पहुँच पथ के पास में एक काला रंग के अपाची मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्यक्ति की जब तलाशी की जा रही थी तो उनके पास कुछ मादक द्रव्य मिला है, जिसमें स्मैक है और गांजा भी है। उनके पास से बरामद हुआ है 4 मोबाइल, कुछ पैसा रिकवर हुआ है और डिक्की तोड़ने वाला एक मास्टर की बोलते हैं उसको, वो मिला है। एक ऐसा मोटरसाइकिल का चाबी मिला है जिससे किसी भी हीरो होंडा के मोटरसाइकिल को लोग ओपन कर सकते हैं। इनसे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये कहीं से खरीद के लेके जा रहे थे मादक द्रव्य, और इनका काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। भागलपुर में कई लूट कांड का इन्होंने अंजाम दिया है, हमारे नवगछिया में भी कई कांड का उद्भेदन हो गया है इनके पकड़े जाने से। इसके साथ और भी साथी थे जो बच निकले हैं, जिनकी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं, जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। कितने लोग का गिरोह था सर? अभी जो कल थे 4 लोग थे, लेकिन इनके टीम में लगभग 50 लोग हैं, और इनका मुख्य काम है बैंक में शिकार का तलाश करना और बैंक से निकलने के बाद पीछा करके उनको किसी ऐसे जगह पर जहां इनको लगता है कि ये लूज है वहां से लेके झपट के पैसा भाग जाते हैं।
कभी कभी बल का भी प्रयोग करते हैं। तो इस टीम के ऊपर में भागलपुर की DIU टीम काफ़ी दिन से वर्क कर रही थी और उन्हीं के द्वारा हम लोगों को ये सूचना दी गई। क्रिमिनल का ग्रुप है, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, तो ये लूट झपट के साथ में मादक द्रव के स्मगलिंग का भी काम करते हैं। तो हम लोगों ने जो पकड़ा है वो गांजा है और स्मैक है और बाकी डिक्की उक्की तोड़ने वाला इनके पास सामान है। गांजा और स्मैक है, मात्रा है इसमें लिखा हुआ है 1 किलो 300 ग्राम गांजा है, चरस है 15 पुड़िया और ये खुजली करने वाला एक पाउडर भी रखते हैं, इचिंग पाउडर रखते हैं कि अगर किसी शिकार को अगर इनको ये करना है तो उसके शरीर पर वो छिड़क देते हैं जिससे वो खुजली करता है और उसका ध्यान अपने बैग से हट के खुजली वाले स्थान पे चला जाता है और ये मौका पाकर उसका बैग या पैसा लेके भाग जाते हैं। नगद रुपया भी बरामद हुआ है 32,500 रुपया, 4 मोबाइल है। मार्केट रेट कितना होगा गांजा या चरस का सर? अनुमानित कीमत अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 रुपये। कहाँ के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं ये रहने वाले? एक हैं सुदामा उर्फ संतोष यादव उर्फ विशाल यादव और इनके पिताजी का नाम है रामलाल यादव। दूसरा है नंद किशोर कुमार उर्फ नटराज, पिता का नाम क्रांति यादव। दोनों ग्राम जुरावपुर एक जगह है, जुरावगंज थाना कोढ़ा, कोढ़ा का ही ये गैंग है मूल रूप से। तो जुरावगंज को हम लोग पहले से जानते हैं, वहाँ से बहुत सारे अपराधी भिन्न भिन्न जिले में जा करके लूटपाट के काम करते हैं। और साथ में अभी जो हम लोगों को नया उद्भेदन हुआ है कि इनके द्वारा स्मगलिंग का भी काम किया जा रहा है, नशे का भी कारोबार किया जा रहा है। नवगछिया में कितने केस में है अभी तक? तो हमारे पास जो क्रिमिनल हिस्ट्री इनका मिला है, हमारे पास 4 केस है जिनमें इनकी संलिप्तता पाई गई है। और एक खरीक का है, एक भवानीपुर रूपी का है, एक गोपालपुर का है और एक नवगछिया का है। सर हाल के दिनों में सर अभी स्मैक का कुछ तस्कर पकड़ाया गया भागलपुर में, क्या इसको उससे भी जोड़ के देखा गया? ये हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, चूँकि इन्फॉर्मेशन भागलपुर से है तो भागलपुर की टीम काफ़ी दिन से इनका पीछा कर रही थी। ये संयोग था कि कल हमारे यहाँ थे और ये कहीं ना कहीं इसका डिलीवरी देते ये लोग। कहाँ देते डिलीवरी सर? ये पूछताछ चल रही है अब इनके द्वारा, ये तो काफ़ी पहले तो बरगलाने का कोशिश करते हैं, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं जो इनको सप्लायर जो भी इनको सप्लाई करते होंगे या ये जिनको सप्लाई करते हैं उस सोर्स तक हम लोग पकड़ पहुंचेंगे और उसको भी अरेस्ट। कितने की गिरफ्तारी हुई इसमें? गिरफ्तारी 2 लोगों की हो पाई। कहाँ से लेकर आए थे, कहाँ जाना था? इनका तो कहना है कि हम लोग अच्छा से ही। ऐसे ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।